हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा एक एम्स भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से एक न्यू नोटिस जारी हुआ है, उसमें हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उन्होंने जारी किया था, जो एमसीआरई के थ्रू हमारी वैकेंसी निकली थी विभिन्न एम्स में। फिर उसके बाद पेपर हुआ था, उसका पेपर होने के बाद उन्होंने अलग से एक लिस्ट जारी की थी एलिजिबल प्लो एलिजिबल कैंडिडेट की, उसमें कुछ कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था, उसी से रिलेटेड उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। जो भी नए जुड़े हों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिस आपका 26/4/2024 को आया था और आज 30 तारीख है, प्लस आज लास्ट डेट है। तो अगर आपको उन्होंने बाहर कर दिया था तो आपको मौका दिया गया, आप अपनी एलिजिबिलिटी को साबित कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हैं यहाँ पर जीमेल आईडी पे। मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ इस नोटिस में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 26/4/2024 डेट दी हुई है और यहाँ पर दिया हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश, पिन कोड दिया हुआ है और यहाँ पर फाइल नंबर 2935 है। नोटिफिकेशन है सीआरई एम्स का 239 था हमारा 17/11/2023 को ये पब्लिश हुआ था और एम्स भोपाल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 28/2024 से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर अंडर रेफरेंस सेकेंड अबव रिकॉर्डिंग फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल प्रोइजिबली एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट ऑन रेगुलर पोस्ट थी हमारी परमानेंट वैकेंसी थी एम सी आर ई के थ्रू सिलेक्टेड थ्रू सी आर ई एम्स एट भोपाल, ठीक है, एम्स भोपाल जिसे मिला था। ऑल दी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं और उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं। लेट टिल डेट एंड एनी कैंडिडेट वांट्स टू सबमिट फ्रेश डॉक्यूमेंट्स आर हैर बी इंस्ट्रक्टेड, तो आप फ्रेश डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। सबमिट द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी लेटेस्ट बाई 30/4/2024 जो कि आज डेट है, प्लस थ्रो ईमेल ऑन रिक्वायरमेंट एट द रेट एम्स भोपाल डॉट एजुकेशन डॉट इन। तो मैंने ये जीमेल आईडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पहले ही शेयर कर दी थी क्योंकि 30 तारीख है, तो ज़्यादा देर मत करना। अगर आप नॉट एलिजिबल हुए हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, प्लस ये जीमेल आईडी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। फॉलोइंग विच इट विल बी डिमाइट दैट कैंडिडेट डू नॉट विश टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन एंड नो फर्दर रिक्वेस्ट शैल बी इंटरमीटेड इन दिस रिगार्ड, तो इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, साफ साफ उन्होंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो आपको ये जीमेल आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं जितने भी कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल उन्होंने करा था। प्लस एक नोटिस और है पीएपीएससी रिगार्डिंग, इसमें भी 26/4/2024 लिखा हुआ है और इसमें दिया उन्होंने प्रोबेबली एलिजिबल विद कंडीशन दैट आर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द क्रिमिनल केस ऑफ एफ आई आर नंबर बता रखा है 149/2022 अंडर सेक्शन 498/406/323 पेंडिंग अगेंस्ट योर एंड इन केस, तो यहाँ पर बता रखा है उन्होंने, ठीक है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पीए पर्सनल असिस्टेंट, तो एक कैंडिडेट है उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो ये दोनों पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पहले ही शेयर कर दी थी क्योंकि आज लास्ट डेट है, तो ज़्यादा देरी ना करें आप। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एमएलटी जर्नी 6675। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए, हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।